जमीनों से अवैध कब्जे खत्म करने के लिए जहां सरकार नए कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर राजधानी के कोटा क्षेत्र में भू माफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया। कोटा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जे से लोग परेशान हैं। कोटा विद्यापीठ के पास रहने वाले निवासियों ने आज रायपुर SSP को अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोटा क्षेत्र के सोनू मिश्रा और ठेकेदारों ने मिलकर वहां रह रहे लोगों की जमीनों पर अपना कब्जा कर रखा है, साथ ही रातों रात वहां बाउंड्री वॉल भी खड़ा कर दिया है। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो ठेकेदार के गुंडे अपनी बड़ी पहुंच बताकर उन्हें डराने लगता है। वहां रह रहे लोग अपनी शिकायत लेकर SSP ऑफिस पहुंचे, जहां SSP आरिफ शेख द्वारा लोगों को बोला गया कि जांच पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा प्लाट जो है विद्यापीठ के पीछे है और उस प्लाट पे ये जो सोनू मिश्रा है और उसकी बहन जो रेणु मिश्रा है वो कब्जा कर रहे हैं, और मैं जब भी जाती हूँ अपना बाउंड्री वॉल कराने तो वो मेरे को धमकी देते हैं कि ये प्लाट बिक गया है, ये आपका प्लाट नहीं है, और प्लाट को वो पूरा कल रातों रात पूरा बाउंड्री वॉल करा लिए हैं और मेरी जान को बहुत खतरा है। वो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कोई ना कोई आदमी उनका पीछा करते रहते हैं। मैं थाना में भी गई तो वहाँ भी पहुँच गए, और मैं पटवारी से भी मिलने गई तो वहाँ भी उसके आदमी बैठे थे, और वो प्लाट में 8-10 लोग उनके गुंडे लोग बैठे रहते हैं, और मेरे को बहुत खतरा है जान का। मैं कहीं भी बाहर निकलती तो मेरे को डर लगते रहता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, you decide.